नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आशीष एजुकेशन समाचार चैनल पर। आज 23 जुलाई, और साथियों इस वीडियो के तहत शिक्षा विभाग और अन्य डिपार्टमेंट जुड़ी आज की सभी बड़ी खबरें आपको बताई जाएगी। तो सबसे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, हर प्रकार के अपडेट के लिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक शेयर करें। आइए जान लेते हैं आज की सभी बड़ी खबरें। यहाँ पर सबसे पहली अपडेट है, सरकारी स्कूलों में शिक्षा बेपटरी, इंजन फेल कैसे होगा बच्चों का ठहराव। प्रदेश के 42% सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं, 54,000 शिक्षकों के पद खाली। आप देख सकते हैं अजमेर से आज की बड़ी अपडेट। प्रदेश में सरकारी स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र का एक माह बीतने को है, लेकिन शिक्षा का स्तर सुधारने वाली जिम्मेदारी नहीं है। प्रदेश भर में करीब 42% सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल के पद खाली पड़े हैं, तो विभिन्न स्तर के करीब 1,25,000 पद भी बाट जो रहे हैं। सरकार स्कूलों में नए विषय खोल रही है, लेकिन विषयों के शिक्षक ही नहीं है। राजस्थान में शिक्षा विभाग की जुलाई की रिपोर्ट के अनुसार कुल 3,70,000 पदों में से करीब 1,25,000 पद रिक्त है। सरकारी स्कूलों की कमान संभालने वाले प्रिंसिपल से लेकर निरीक्षण करने वाले अधिकारी भी पर्याप्त नहीं है, और शिक्षा विभाग में करीब 35 विभिन्न सवर्ग है और कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें पद रिक्त नहीं हो। वरिष्ठ शिक्षकों के 25,396 खाली है, वही 23,280 सामान्य शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति का इंतजार है, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल ही नहीं। राज्य भर के 7,000 स्कूल ऐसे हैं जिसके बेहतर संचालन के लिए प्रिंसिपल तक नहीं है, और राज्य में प्रिंसिपल के 7,090 पद खाली पड़े हैं और वाइस प्रिंसिपल के 12,000 पद 1 जुलाई को खाली हुए। और हाल ही पदोन्नति के बाद वाइस प्रिंसिपल के 4,700 पद भरे गए, लेकिन 4,700 पद और व्याख्याताओं के खाली हो गए हैं, ये भी आप देख सकते हैं। और आंकड़ों की जुबानी माध्यमिक शिक्षा की यह स्थिति है। प्रधानाचार्य रिक्त पद इस समय 7190, उप प्रधानाचार्य 12,041, व्याख्याता 13,046, वरिष्ठ अध्यापक 25,396, सामान्य अध्यापक 23,280, शारीरिक शिक्षक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, इन सभी के पद आप देख सकते हैं। इतने सारे पद माध्यमिक शिक्षा विभाग में इस समय खाली है। अगली खबर है, डिस्टेंस एजुकेशन, यूजी में बीए करने वालों की संख्या अधिक, बीएससी दूसरे स्थान पर 41 लाख से बढ़कर 46 लाख पहुंच गई, दूर शिक्षा हासिल करने वाले छात्रों की संख्या। और इधर आरपीएससी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने में ही गुजर जाएंगे 3 साल, सरकार की प्रतिवर्ष 1 लाख भर्तियों की घोषणा। आप देख सकते हैं जयपुर से, राज्य सरकार ने प्रदेश में हर साल 1 लाख भर्तियों की घोषणा की है, लेकिन इन भर्तियों की प्रक्रिया शुरू करने में ही कम से कम 3 साल से ज्यादा का वक्त लगेगा। अगर आरपीएससी को आप देख सकते हैं, यहां पर 6 साल में इतनी भर्तियां मिली आरपीएससी को, यहां पर साल दर साल की देख सकते हैं, साल 2018 में 18,000, 19 में 10,000, 20 में 5,000, इस प्रकार से भर्तियां मिली है। और अगले अपडेट से, 12वीं की प्रायोगिक पूर्व परीक्षा 25 से 30 तक एडमिट कार्ड जारी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएससी की 12वीं की प्रायोगिक पूर्व परीक्षाएं 25 से शुरू होगी और ये परीक्षाएं 30 जुलाई तक चलेगी, और अगस्त के पहले सप्ताह से शुरू होंगे केट के लिए रजिस्ट्रेशन। 5वीं और 8वीं पूर्व परीक्षाएं 25 से होगी शुरू, ये भी आप देख सकते हैं। यहां पर अगली बड़ी अपडेट है, यहां पर कर्मचारी चयन बोर्ड व आरपीएससी की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे अभ्यर्थी, सिस्टम में बदलाव की जरूरत है, सिस्टम पर बड़ा सवाल, भर्ती परीक्षाओं के 17 पेपर में 108 सवाल डिलीट करने पड़े, जूनियर अकाउंटेंट पेपर के 23 सवालों में सामने आई गलती, 12वीं क्लास के स्तर वाले सवाल भी सही नहीं थे, विशेषज्ञ बोले कंफ्यूजन बढ़ाने वाले विकल्पों में सतर्कता बरते। यहां पर प्रदेश की बजनलाल सरकार ने अगले 1 साल में 1 लाख भर्तियां करने की घोषणा की है, लेकिन भर्तियों के सिस्टम में बड़ी लापरवाही सामने आई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी की ओर से पिछले कुछ महीनों में आयोजित भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों में बड़ी संख्या में सवाल डिलीट करने पड़े हैं। पिछले 3-4 महीनों में दोनों संस्थानों ने 17 परीक्षाओं की फाइनल आंसर की जारी की और इनमें कुल 108 सवाल डिलीट किए गए, ये आप देख सकते हैं बड़ी अपडेट कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी से संबंधित है। और यहां देख सकते हैं प्रमुख परीक्षाओं में डिलीट किए गए सवाल, कनिष्ठ लेखाकार डिलीट सवाल 23 और यहाँ पर राजस्व लेखाकार के, और सूचना सहायक का भी आप देख सकते हैं। और इधर ये आरपीएससी का डेटा है,
सीनियर टीचर गणित 12 सवाल डिलीट, इधर ये कर्मचारी चयन बोर्ड का। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट्स। यहां पर आकलन से मंजूरी तक प्रक्रिया जटिल, आरपीएससी को पिछले 6 साल में 63,000 भर्तियां मिली, हर साल 1 लाख भर्तियां करना आसान नहीं, प्रक्रिया शुरू करने में ही बीत जाएंगे 3 साल। अगले अपडेट से एपी लाइब्रेरियन एम पीटीआई प्रतियोगी परीक्षा 23 के इंटरव्यू जल्द, सहायक आचार्य लो इंटरव्यू के लिए सफल अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी। आरपीएससी ने सहायक आचार्य लो विषय की परीक्षा के परिणाम के तहत साक्षात्कार के लिए अस्थायी रूप से सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी है और साक्षात्कार की जो तारीख है अभी तय नहीं की गई है। 25 पदों के विरुद्ध 103 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए अस्थायी रूप से सफल घोषित किया गया है। और यहां देख सकते हैं सरकारी नौकरी इंडियन नेवी में 741 पदों पर भर्ती, 2 अगस्त लास्ट डेट आवेदन के लिए। अगली खबरें, देर रात तक जारी रही प्रथम वर्ष में कटौती की प्रक्रिया, ई मित्र पर शुल्क आज से होगा जमा, प्रदेश के 14 कॉलेजों में 100-100 सीटें ट्रांसफर, कोटा के 8 कॉलेज में सीटें बढ़कर 2900 हुई। और यहां देख सकते हैं राजकीय कॉलेजों में प्रवेश नवीनीकरण के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 अगस्त। जियोलॉजिस्ट और एमए के यहां पर 56 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन है 20 अगस्त तक। उम्र की बाध्यता का असर, पहली कक्षा में प्रवेश के लिए 6 साल उम्र जरूरी, विभाग ने रियायत दी, असर नहीं, जिले के 3996 स्कूलों में 20% में पहली कक्षा में प्रवेश शून्य, 50% में 10 से भी कम बच्चे, नई शिक्षा नीति। अगली खबरें, भारतीय डाक विभाग 44,228 पदों पर भर्ती, कई राज्यों में वैकेंसी आप देख सकते हैं। और ₹134 स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय में प्राथमिक कक्षाएं शुरू। क्या ये नीट क्लीन है? सुप्रीम कोर्ट में कई नए तथ्य पता चले तो एनटीए ने नहीं बताए, छात्रों ने 2 पेपर सोल्व किए तो दूसरे के आंसर की जारी क्यों नहीं की सीजेआई? सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई जारी रहेगी। पूरा सिस्टम ही फेल, इसलिए 2 बार परीक्षा की मांग याची, ये भी आप देख सकते हैं। आम बजट आज सुबह 11 बजे, इस बार ये 9 बड़ी उम्मीदें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को वर्ष 24-25 का पूर्ण बजट पेश करेगी और बजट से बड़ी उम्मीदें रहेगी। हसीसी में छूट की सीमा बढ़ाई जाए, और देख सकते हैं यहां पर अगली खबरें, स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष आर्ट्स और कॉमर्स में भी सेमेस्टर प्रणाली लागू, साल में 2 बार होगी परीक्षा, उच्च शिक्षा नया सिलेबस अगस्त के पहले सप्ताह तक, निबंधन कक्षा के बाद होगा प्रथम सेमेस्टर। तो साथियों ये थी इस वीडियो में आज की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। साथियों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।